मदर वेरोनिका ने जो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है उसको जानना और दूसरों को उसके बारे में बताना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तजर्बात जिसमें यादगार और प्यार भरे लम्हात शामिल हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलात भी थीं। उसकी बाप की वफात का अलमिया भी उसको बर्दाश्त करना पड़ा था जब वो मेरी एन को साथ लेकर जियारत के लिए इसराइल को गया। बेरूत में पहुंच कर वो बुखार और जहरबाद की वजह से वफात पा गया। और ये भी एक हसीनी इतफाक की बात है कि वहां पर कफन दफन के लिए कार्मलाइट ब्रदर्स ने उनकी मदद की। ये खानदान के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा दुख था क्योंकि मेरी एन एक गैर मुल्क में अकेली रह गई थी। सोफी और उसकी माँ उसे वापस लाने के लिए वहाँ गए। ये सारी मालूमात मुझे सिस्टर मारिया ने फ्राहम की थी। मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझे मद वेरोनिका की बचपन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने की दिलचस्पी दी ताकि मैं उन सफ़ात को अच्छी तरह समझ सकूं जो उन्होंने बाद में अपनी ज़िंदगी में अपनाई थी। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यूं ही किया था। ओ वेरीना, मैं खुश हूं कि तुम आ गई हो। मैं अभी अपनी साथी सिस्टर मारिया से बात कर रही थी जो श्रीलंका से हैं। ओ अच्छा, आपकी साथी जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, क्या उन्होंने अपनी किताब की लिखाई मुकम्मल कर ली है? मैं इंतज़ार में हूँ कि कब उसे पढ़ूँ। हाँ, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था और वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि उनसे सीखने के बाद तुम मदर वेरोनिका के बचपन से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक श्रीलंकन सिस्टर से सीखूंगी, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है।